गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राचीन मंत्रों की इस श्रृंखला में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। साल 2021 अपने अंतिम पड़ाव पर है और साल 2022 आने ही वाला है। शास्त्रों के अनुसार साल 2022 में न जाने कितने ग्रह और नक्षत्र गोचर कर रहे हैं। ग्रहों का राशि परिवर्तन सभी जातकों के जीवन में बहुत प्रभाव डालता है। इन्हीं ग्रहों में से सबसे प्रमुख ग्रह जिनकी अगर हम बात करें तो वो है शनि ग्रह। शनि ग्रह को न्याय के देवता माना गया है और इनके प्रकोप से तो स्वयं ईश्वर भी नहीं बच पाए हैं। तो शनि देव की नाराजगी और प्रकोप से तो देवता भी डरते हैं, लेकिन अगर शनि देव की कृपा हो जाए तो जीवन में कभी भी कोई भी कमी नहीं रहती है। इसलिए शनिदेव की उत्कृष्ट कृपा प्राप्त करने के लिए शनिदेव के स्वभाव के मुताबिक व्यवहार करना ही बेहतर होता है। शास्त्रों के अनुसार कभी भी ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए जिससे शनि का बुरा प्रकोप आप पर पड़े। ये नया साल तारीख से है, हालांकि सनातन धर्म का नया साल ये नहीं है, लेकिन तारीख से अगर देखा जाए तो 1 जनवरी 2022 को शनिवार है और शनिवार के दिन शनिदेव की उत्कृष्ट कृपा हम प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि नया साल न्याय के देवता से ही शुरू हो रहा है। साथ ही इस साल शनि मकर राशि में गोचर भी करेंगे, तो ऐसे में यदि आप शनिदेव की कृपा दृष्टि अपने ऊपर बनाए रखना चाहते हैं तो इस साल आपको प्रथम दिन काले तिल के उत्कृष्ट उपाय करना है। 11 तिल के दाने आपके जीवन में शनिदेव की उत्तम कृपा बरसाएंगे। यह उपाय आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार 1 जनवरी 2022 यानी कि साल का जो पहला दिन होगा वो शनिदेव का दिन है। इस दिन मासिक शिवरात्रि भी है, तो मासिक शिवरात्रि और शनिवार का संयोग होने के कारण साल का पहला दिन अति उत्तम माना गया है। भगवान शिव के साथ साथ शनिदेव की पूजा का भी उत्कृष्ट दिन है, शुभ परिणाम देगा और साथ ही साथ भगवान शिव शनिदेव की भी कृपा दृष्टि बनी रहेगी। साल का जो प्रथम दिन है वो मासिक शिवरात्रि और शनिवार का जो शुभ संयोग है, तो शनिदेव की जो कृपा है वो पूरे वर्ष बनी रहेगी। पौराणिक मान्यता के अनुसार शनिदेव भगवान शिव के परम भक्त हैं और भगवान शिव ने ही शनिदेव को न्यायाधीश की उपाधि दी है, इसलिए भगवान भोलेनाथ और शनिदेव की पूजा साल के प्रथम दिन करने से पूरे साल आपको शनिदेव का आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो ध्यान रखिए, ये उपाय आपको पहले दिन ज़रूर करना है। 4 उपाय बताए जाएंगे, चारों में से जो उपाय आपको सर्वश्रेष्ठ लगे, सबसे आसान लगे, जो आप कर सकते हैं, उन चारों में से आप कोई सा भी एक उपाय करें। यदि आप चारों उपाय कर सकते हैं तो अति उत्तम बात है, आप सारे भी कर सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार मनुष्य का संचालन सभी 9 ग्रहों द्वारा किया जाता है। शास्त्रों में कुल 12 राशियों और 9 ग्रहों का अध्ययन किया जाता है। हालांकि इन सभी ग्रहों में शनि ग्रह की दृष्टि को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। माना जाता है कि कुंडली में अगर शनि ग्रह कमजोर स्थिति में है तो जीवन में कई तरह की समस्याएं आने लगती है। परिवार के बीच मन मुटाव, आर्थिक समस्या, शारीरिक समस्या, ऐसे व्यक्ति को उन सभी चीज़ों से जूझना पड़ता है। लेकिन अगर आपकी कुंडली में शनि की स्थिति मजबूत हो जाए तो सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। कर्म फलदाता भगवान शनिदेव मनुष्य को अपने कर्मों के हिसाब से फल देते हैं। अच्छे कर्म करने वालों को शुभ परिणाम मिलते हैं, लेकिन अगर आपने बुरे कर्म नहीं किए हैं फिर भी आप को अशुभ फल की प्राप्ति हो रही है, इसका मतलब ये है कि आपके पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण इस जन्म में आप दुख भोग रहे हैं। कर्म आपको इस भव में भी सता रहे हैं, इसलिए भी आपको आज के दिन ये उत्कृष्ट उपाय करना चाहिए। जिन लोगों की जिंदगी में शनि कमजोर स्थिति में है वह शनिदेव के प्रकोप से बचने के लिए तरह तरह के उपाय अपनाते हैं। चलिए अब जानते हैं आज के सर्वोत्तम उपाय की बात करें तो आपको शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए किस प्रकार के आपको उपाय करने चाहिए। देखिए, आज के दिन आप स्नान करते हैं तो आप स्नान वाले पानी में एक चुटकी कुमकुम डाल करके आपको स्नान करना चाहिए, इससे आपके जीवन में तेज की वृद्धि होगी। अब बात करते हैं उपायों के बारे में। आज के दिन आपको एक तांबे का लोटा लेना है। पोष का पवित्र महीना है तो पोष का जो पवित्र महीना है वो भगवान सूर्य नारायण को समर्पित होता है। तो आज के दिन जो शुरुआत करेंगे हम सूर्य देव को अर्घ्य देते हुए हमारे नए साल की शुरुआत करेंगे। तो आपको तांबे के लोटे में शुद्ध जल भरना है और जल के अंदर आपको ध्यान रखें आप 11 तिल के दाने ले लें। ओम सूर्याय नमः, एक तिल के दाने पर आपको जाप करना है और 11 दानों पर आपको 11 बार ओम सूर्याय नमः का जाप करना है और 11 दाने आपको पानी के अंदर जल के पात्र के अंदर डाल देना है। एक चुटकी कुमकुम डाल देना है, ध्यान रखें गुड़ भी आप डाल सकते हैं,
और इस प्रकार से आपको ये जल के पात्र से आपको सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए, ओम सूर्याय नमः का जाप करना चाहिए और सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। अर्घ्य देने के बाद आप सूर्य देव को 7 बार परिक्रमा भी दें, जहाँ पर खड़े हैं उसी स्थान पर आपको घूम करके 7 बार परिक्रमा देनी है, ओम सूर्याय नमः का आपको जाप करना है। दूसरा उपाय ये है कि आपको आज के दिन एक रोटी बनानी है, और रोटी जो होगी बिना नमक की वो रोटी होगी, आपको रोटी बनाना है और उसके अंदर आपको 11 काले तिल डालना है। ध्यान रखें, आप रोटी बना रहे हैं तो उसके अंदर आप 11 तिल डाल दें, काले तिल डाल दें। ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का आपको जाप करना है, 11 तिल के दानों को साथ साथ 11 बार आपको जाप करना है। और इस काले तिल की जो रोटी है आपको इसके अंदर थोड़ा सा गुड़ रखना है, और आपको गौ माता को आज के दिन शनिवार के दिन नए साल के दिन आपको शनि देव का स्मरण करते हुए माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को प्रणाम करते हुए गौ माता को आपको खिला देना है। किसी भी गौ माता को आप खिला सकते हैं और गौ माता को आपको प्रणाम करना है, इससे जीवन में जुड़ी आर्थिक संकट दूर होगा और समृद्धि का जीवन में वास होगा, इससे शनि देव के दुष्प्रभाव से भी आप बच सकते हैं। तीसरा उपाय इस प्रकार से है कि आपको आज के दिन शनि देव के दर्शन करने हैं, उनके मंदिर में तो आपको जाना ही है, और वहां पर आपको उनके ऊपर सरसों का तेल अर्पण करना है। शनिवार का दिन है और शनिवार के दिन आपको सरसों का तेल अर्पण करना है, लेकिन सरसों के तेल के अंदर आपको 11 तिल के दाने डालना है। ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का आपको जाप करना है, और 11 तिल के दाने से भगवान शनि देव का आपको अभिषेक करना है, और जीवन की तमाम संकट दूर करने की आपको प्रार्थना करना है। आप ये उपाय पूरे दिन में कभी भी कर सकते हैं, और ये उपाय आपको करना चाहिए। देखा जाए तो आज के दिन शनिवार है और मासिक शिवरात्रि भी है, तो आपको शिवरात्रि की इस उत्कृष्ट रात पर, नए साल के इस शुभ दिन पर, शनिवार के इस उत्कृष्ट दिन पर आपको क्या करना है, शाम के समय अगर हो सके, नहीं तो आप किसी भी समय जा सकते हैं, प्रदोष काल के समय आपके घर के पास जो भी सबसे पास में जो भी शिव मंदिर हो वहां पर आपको जाना है और भगवान शिव के दर्शन करना है। और देखिए, आज के दिन कम से कम आपको भगवान शिव के दर्शन तो करना ही चाहिए, और साथ ही साथ शनि देव के भी दर्शन आज के दिन करना चाहिए। तो अब आपको भगवान शिव के दर्शन करना है, और जल के पात्र में एक जल का पात्र आप घर से लेकर के जाएं, और 11 काले तिल के दाने भी लेकर के जाएं। जल के पात्र में काले तिल के दाने डाल दें और भगवान शिव का स्मरण करें, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए आपको काले तिल आपको उसके अंदर डाल देना है, और आपको इसी जल से भगवान शिव का अभिषेक करना है। जैसे ही काले तिल भगवान शिव के ऊपर पड़ेंगे, उनके ऊपर स्पर्श होंगे, वैसे ही आपके जीवन में जो भी आर्थिक समस्या जो आ रही है वो सब दूर होगी, आर्थिक समस्याओं का अंत होगा और जीवन में सुख समृद्धि का वास होगा। देखिए, भगवान शिव के मंदिर में जा रहे हैं तो आपको एक दीपक भी प्रज्वलित करना है, और भगवान शिव के सामने ओम नमः शिवाय इस मंत्र का आपको कम से कम 108 बार जाप करना चाहिए। बड़े ही सरल उपाय हैं, कोई सा भी उपाय कर सकते हैं आप। अगर शनिदेव के मंदिर में जा रहे हैं तो शनिदेव को भी आपको सरसों के तेल का दीपक आपको अर्पण करना चाहिए, वहां पर रखना चाहिए, प्रज्वलित करना चाहिए उनके सामने, और नए साल पर शनिदेव की उत्कृष्ट कृपा रहेगी तो आपका पूरा साल अति उत्तम रहेगा। आप शनिदेव के मंदिर में ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं, कम से कम 108 बार आपको जाप करना चाहिए। गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राचीन मंत्र, यंत्र और उपाय आपको प्रभावना के रूप में दिए जा रहे हैं। आपके अपने इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। जय शनिदेव, जय गुरुदेव, प्रणाम।